welcome back to another reaction video joined by my beautiful wife. So guys, one of the best video जो हम wait कर रहे थे, जंगे यार मुख खालिद बिन वालिद की, इसमें entry जरूर होगी and कोहिस्तान की video, one of the best creator of Pakistan. So basically this is the greatest war like जिसमें इस्लाम और रोमन एम्पायर आमने सामने थे. literally थोड़ा बहुत इसके बारे में मुझे याद है, हमने पढ़ा था उसके थोड़ा बहुत. क्या जब नहीं, ये सबसे बड़ी जंग है, इसको सुनना है इसके बारे में. ओके okay. तभी इतनी लंबी वीडियो. और बट मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मुझ टाइम मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था इस्लाम में, स्पेशली कुछ साल पहले तब मैं इसके बारे में पता था. बट लेस आज मुझे बहुत इंटरेस्ट है इस्लाम के जानने के लिए, स्पेशली खालिद बिन वालिद प्लस प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको जानने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है. सो लेस गेट इनटू द वीडियो. मुझे लगता है आप ये गलत बोल रहे हो थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा बहुत लंबा सा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे फेमस जंग, जिसमें एक तरफ रोमन एम्पायर अपनी फुल ताकत के साथ और इस्लाम मुस्लिम जीते थे, तो पहले पता मुझे ये पता बात. और जो बताऊँ, जो कल हमने क्वेश्चन पूछा खालिद बिन वालिद के, मैं राइट, जो फर्स्ट वॉर थी वो एज अ हार मानी जाती है, कुछ लोगों ने बोला एग्री भी किया मेरे बारे में. यस यू हैव अ गुड पॉइंट, और इसको हम मान सकते हैं कि लाइक दैट वाज द लॉस फॉर खालिद बिन वालिद. जो मैंने कल वीडियो लिया, एक बार आप जाके देख लो उसको. ऑब्वियसली हमेशा जरूरी नहीं होता हर जंग जीतनी हो, बट उनका रिकॉर्ड है ना जीतनी पर. उसका बहुत कन्फ्यूजन था उसका. अगर किसी को अभी भी राय देना है पुरानी वीडियो में कमेंट में बता सकते हैं, मेरा क्वेश्चन देख लो पहले प्रॉपरली. ओके, दूसरी तरफ मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सिर्फ 30,000 मुसलमानों के साथ खड़े थे. तो यहां पर देख सकते हैं जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं, खालिद बिन वलीद को तो इस जंग से पहले ही आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया गया था, तो फिर वो इस जंग के लीडर आखिर बने कैसे? इस जंग की स्टोरी, जंगे यरमूक की स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. मुसलमानों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में उस वक्त की सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर से हड्डा ले लिया. यह मैं इसी के बारे में कल आपसे पूछने वाला है, मैं बीच में नहीं रखूंगा टू बी ऑनेस्ट, अब नहीं रखूंगा. इसके पास एक क्वेश्चन बता दो, ये जो मूवी देखी 300 राइट, इसमें भी पर्शियंस का, ये आई थिंक उसी का पार्ट है ये बंदा, उसी में पर्शियन वाला है, उसमें भी कुछ इस्लाम से रिलेटेड है. जो 300 मूवी है अगर आपने देखा हो उसमें भी कुछ है, क्योंकि मुझे टाइम मैंने देखी थी मूवी बचपन में, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं थी, बट अभी मैं थोड़ा लिंक करने की कोशिश कर रहा हूँ. पर्शियन एम्पायर ये था, मतलब आपने एज ए एंटरटेनमेंट देखा. हाँ, बट कमेंट, इज इट रिलेटेड टू एनी थिंग? तो थोड़ा बहुत रिलेटेड कुछ है इस्लाम का, जो 300 मूवी है, क्योंकि ये सीन उसी का. जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं हुआ, लाइक बहुत ही गंदी, मुसलमान खालिद बिन वलीद की लीडरशिप इन दोनों एम्पायर से ये सारा इलाका फतह कर चुके थे, लेकिन जैसे ही हजरत उमर खलीफा बने, उन्होंने खालिद बिन वलीद को उनकी पोजीशन आर्मी चीफ के ओहदे से हटा दिया, जिसे हम इस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुके. उनकी जगह उबैदा इब्न जर्राह को मुसलमानों का नया आर्मी चीफ बनाया. नाउ खालिद बिन वलीद के जमाने में मुसलमान डमास्कस जैसी बड़ी सिटी को फतह कर चुके थे. ये इतनी बड़ी सिटी थी कि ये आज तक सीरिया शाम का कैपिटल है. हाँ, ये सीरिया में हुई थी, जंग की लीडरशिप सीरिया में हुई थी. मुसलमान इस सिटी से भी आगे बढ़े और रोमन एम्पायर की एक दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी तक पहुंचे, रिवर था, जिसे आज होम्स कहा जाता है. एमेसा कोई आम सिटी नहीं थी, इसकी लंबी लंबी दीवारें थी और इन दीवारों के सामने एक बहुत बड़ी नहर बनाई गई ताकि कोई इस सिटी के दीवारों तक ना पहुंच सके. अबू उबैदा की लीडरशिप में मुसलमानों ने इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन अब मसला ये था कि जब मुसलमान इस सिटी तक पहुंचे तो ये दिसंबर के सख्त सर्दी का मौसम था और यहाँ बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही, और मुसलमान तो सारे अरब के गर्म डेजर्ट से आए थे, तो वो इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर सकते. काफी अरसा गुजरने के बाद मुसलमान इस सिटी को फतह नहीं कर सके, और आखिर एक दिन मुसलमानों ने फैसला किया कि अब हम और थक गए, तो वो इस सिटी को छोड़कर वापस जाने लगे. ये तारीख में पहली दफा था कि मुसलमान किसी जंग को छोड़कर वापस जा रहे थे. ये देखकर अमेसा का जनरल और अवाम बहुत खुश हुई और कहने लगे कि हमें पता था ये अरब इस सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. तो इस सिटी के जनरल ने अपनी फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया ताकि मुसलमानों को यहाँ से जल्दी भगा सके, जिसकी वजह से उसकी फौज किले से बाहर निकल आई और मुसलमानों का पीछा करने लगी. जैसे ये फौज अपने किले के तोपों और तीरों की रेंज से बाहर निकली, तो मुसलमानों की फौज अचानक रुक गई और इन पर हमला कर दी, और एट द सेम टाइम मुसलमानों की इन दो फौजों ने भी आकर इस फौज पर हमला कर दिया, और इस तरह ये सारी फौज खत्म हो गई और इनका जनरल मारा गया. मुसलमानों की आर्मी की इस जबरदस्त प्लानिंग को देखकर यही लगता है कि जरूर ये खालिद बिन वलीद का ही मशवरा होगा. अबू उबैदा मुसलमानों की फौज लेकर वापस सिटी के पास आए. अमेसा के लोग जो
अब तक बहुत खुश थे। ये देखकर उनका सारा हौसला टूट गया और उन्होंने सिटी की गेट्स खोलकर अबू उबैदा के सामने सरेंडर कर दिया। नाउ अब फाइनली टाइम आ चुका कि मुसलमान शाम सीरिया से निकलकर रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी तरफ बढ़ते। लेकिन अचानक एक मैसेंजर मुसलमानों की कैपिटल मदीना से खलीफा उमर बिन खत्ताब का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेटर लेकर फुल स्पीड मदीना से एमेसा की तरफ पहुंचा और उस मैसेंजर ने सीधा जाकर ये लेटर अबू उबैदा तक पहुंचाया। इस लेटर में बहुत ही एक अजीब बात लिखी थी। इसमें लिखा था कि बस इससे आगे मुसलमानों की फौज को बढ़ने की इजाजत नहीं, और ये क्लियरली लिखा हुआ था कि एमेसा के बाद कोई भी दूसरा इलाका फतह नहीं करना। एंड ऑफ कोर्स अबू उबैदा और मुसलमानों की सारी फौज ने हजरत उमर के इन ऑर्डर्स को बगैर किसी क्वेश्चन के मान ली। लेकिन अब हजरत उमर के इस ऑर्डर से एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि मुसलमानों की फौज की स्पीड, जो इससे पहले ही खालिद बिन वलीद के हटाने से बहुत ही स्लो हो चुकी थी, अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई। और इतनी स्लो हुई कि इस मैप को देखें, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इससे पहले अपनी सिर्फ 2 साल की खिलाफत मदीना से डमास्कस तक ये इतना बड़ा इलाका फतह किया था। लेकिन अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पहले 2 सालों में मुसलमान डमास्कस से सिर्फ इतना ही आगे जा पाए। लेकिन अब क्वेश्चन ये था कि हजरत उमर आखिर क्यों मुसलमानों को आगे बढ़ने से रोक रहे थे, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को लीडरशिप की ट्रेनिंग खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक जमाने में मक्का वालों ने ऑफर दी थी। ट्रस्ट मी, लाइक ऑब्वियस आई डोंट नो कि आप उनको हजरत उमर को किस वे में देखते हो, राइट? लाइक उनको एज अ प्रॉफिट मानते, मतलब प्रॉफिट तो नहीं मानते ऑब्वियसली, लाइक प्रॉफिट उमर वाज द लास्ट प्रॉफिट, सो बट लाइक उनका इंटरेक्शन लाइक उस टाइम तो उनको उसी का नहीं पता होगा भी, लाइक ही इज अ प्रॉफिट आने वाले टाइम में कि लोग कितने इनको लाइक अभी पता तुझे दुनिया में नंबर वन इन्फ्लुएंसर कौन है? अभी भी पता है प्रॉफिट मोहम्मद इज द नंबर वन इन्फ्लुएंसर इन द वर्ल्ड, ट्रस्ट मी। सो लाइक मैं भी फील करता हूँ, मैं सोचता हूँ उस सिचुएशन में क्या फील होता होगा, लाइक उनसे बात कर रहे हैं जो उनका आसपास के लोग हैं, वो एक यूनिक फीलिंग होती होगी, बट आई डोंट नो उस टाइम कितनी वैल्यू है उस चीज़ की, बट अभी तो मुझे लगता है लाइक लोग पागल हैं उस चीज़ को, ऑब्वियसली अब तो कभी देखने को मिलेगा नहीं ऐसा जिंदगी में। बट इमेजिन करता हूं उस चीज़ को, मक्का का बादशाह बना देंगे अगर आप अपने खुदा के साथ हमारे खुदाओं को भी सही कहें। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आसानी का रास्ता अपनाने के बजाय इस ऑफर को ठुकरा दिया और कई साल तक मक्का वालों के जुल्मों को बर्दाश्त करते रहे। इसी तरह हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को भी पता था कि मुसलमानों के इन हर तरफ हमलों से मुसलमानों की ये एम्पायर तो बहुत फैल जाएगी और वो खुद बहुत बड़े बादशाह तो बन जाएंगे, लेकिन इससे इस्लाम को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आज देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन 2 बिलियन होने के बाद भी मुसलमानों की आज कोई हैसियत नहीं है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु चाहते थे कि चाहे मुसलमान नंबर्स में कम भी हो लेकिन सच्चे मुसलमान, मतलब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को अपनी हुकूमत से ज्यादा इस्लाम की फिक्र थी। तो उन्होंने दोबारा हजरत अबू उबैदा की तरफ एक लेटर भेजा जिसका मफहूम ये था कि अब तुम सिर्फ एक आर्मी चीफ नहीं बल्कि पूरे शाम के गवर्नर और पहले इस्लामिक लीडर, तो अब सिर्फ जंगों से ज्यादा लोगों को इस्लाम सिखाओ। और यहीं से पहली बार अरब से बाहर लोग इस्लाम के सिस्टम को जानने लगे। इससे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में मुसलमान इतनी टेंस सिचुएशन में थे कि उन्हें इन नए इलाकों में इस्लामिक निजाम कायम करने का टाइम नहीं मिला। तो अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहली बार दुनिया के सामने एक नया सिस्टम रखा, खिलाफत का सिस्टम। और हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहुत सोच समझ के हजरत अबू उबैदा को इस काम के लिए चूज किया, क्योंकि अबू उबैदा इब्ने जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम के पहले 10 मुसलमानों में से थे और इस्लाम लाने के बाद वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर डिसीजन में उनके साथ शामिल थे और इस्लाम के साथ इतने लॉयल थे कि जब जंगे बदर में मुसलमान और काफिर एक दूसरे के सामने हुए तो अबू उबैदा के वालिद दुश्मनों की फौज में थे, और फिर जब जंग शुरू हुई तो अबू उबैदा के वालिद उन्हीं के हाथों से मारे गए, जिसके बाद इनकी इस्लाम के साथ कमिटमेंट पर किसी को कोई शक नहीं। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खालिद बिन वलीद को हटाकर इन्हें मुसलमानों का नया लीडर बनाया, क्योंकि अब जंग से ज्यादा एक ऐसे लीडर की जरूरत जो लोगों को इस्लाम का असल मकसद सिखा सके। तो हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरे शाम को छोटे हिस्सों में डिवाइड करके यहाँ के नए गवर्नर्स लगाए और खुद सबसे फ्रंट वाली सिटी एमेसा में अपना नया हेडक्वार्टर बनाया, ताकि अगर मुसलमानों को कोई भी खतरा हो तो सबसे पहले इनको पता चले। और अपने राइट हैंड खालिद बिन वलीद को शाम के असल कैपिटल दमिश्क का गवर्नर बनाया और आमर इब्ने आस को उर्दन जॉर्डन का गवर्नर लगाया, और इन इलाकों में बिल्कुल इस्लाम के सिस्टम के मुताबिक जकात और जिजिये का सिस्टम राइज किया, इस्लामिक कोर्ट्स और अदालतें भी बनाई और इवन एक पुलिस का सिस्टम भी बनाया, और सबके सामने यहाँ के ताकतवर लोगों को उनकी पोजीशन से हटाकर आम लोगों की तरह
उनको सजाएं दी। ये सब जब रोमन एम्पायर की अवाम ने देखा तो वो हैरान हुए कि ये लोग तो हमारी पिछली हुकूमत से बहुत बेहतर है। आखिर एक साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया और मुसलमानों ने एमएसए के बाद और कोई भी सिटी फतह नहीं बल्कि इस टाइम को यूज करके अपने इस एम्पायर को मजबूत करने की कोशिश। लेकिन इस सारे टाइम्स ऑलमोस्ट एक साल से रोमन एम्पायर के बादशाह को भी टाइम मिला कि वो मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज बना सके। लेकिन अब रोमन एम्पायर इतनी कमजोर हो चुकी थी कि मजबूरन रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल हेराक्लियस ने एक ऐसा काम किया जो इससे पहले सोचना भी इम्पॉसिबल था। हुआ यूं कि रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल ने पर्शियन एम्पायर के बादशाह की तरफ पहली बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया और सिर्फ यही नहीं बल्कि अपनी पोती की शादी भी पर्शियन एम्पायर के बादशाह से करा और इस तरह तारीख में पहली बार रोमन और पर्शियन एम्पायर सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि रिश्तेदार बन गए। ये बहुत ही इम्पॉसिबल बात थी क्योंकि इससे पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर पिछले 800 साल से एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे। लेकिन अब इन दोनों एम्पायर मुसलमानों का इतना खौफ बैठ चुका था कि इन्होंने पिछले 800 साल की दुश्मनी भुलाकर एक दूसरे के साथ दोस्ती कर ली। ये ऐसा ही था जैसे आज पाकिस्तान और इंडिया किसी और के खिलाफ एक हो जाए और इवन वर्स फलस्तीन और इसराइल किसी दूसरे के खिलाफ एक दूसरे के दोस्त बन जाए जो इम्पॉसिबल। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत मुसलमानों के खौफ इंडिया और पाकिस्तान इज द बिगेस्ट एनिमी इन द वर्ल्ड लाइक हमें ऐसा लगता था बट इसराइल और पैलेस्टीन का देखने के बाद लाइक कम ऑन मैन लाइक हम तो सिर्फ लड़ने वाले भाई हैं जो मुंह बोले सिर्फ गाली देते हैं दूसरे को बट गाली भी नहीं देते पॉलिटिशियन हां तो आम जनता तो नहीं है ना। कम डाउन ऑफ डोंट इन्हें एक होने पर मजबूर कर। तो अब इन दोनों एम्पायर्स ने मिलकर मुसलमानों के खिलाफ अपनी अपनी एम्पायर्स में बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर जिसके बाद जंगे यरमूक और जंगे कादसिया जैसी अजीम जंगे लड़ी गई। रोमन बादशाह ने अंताकिया में अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई जिसमें उसने एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि आखिर क्या वजह है कि हम इन मुसलमानों से नंबर्स में ज्यादा होने के बावजूद हर जंग में हार जाते हैं। जिस पर उनके सारे जनरल्स ने एक ही जवाब दिया कि मुसलमानों की फौज का जो आर्मर होता है वो हमारी फौज से बहुत ही हल्का होता है इसीलिए उनकी स्पीड हमेशा हमसे बहुत तेज होती है और मुसलमान हमसे कभी एक जंग में नहीं लड़ते बल्कि हमेशा छोटे छोटे ग्रुप्स में लड़ते। तो रोमन बादशाह ये सब सुनकर अपने तख्त से खड़े हुए और कहा कि अब इन सारी बातों का सिर्फ एक ही हल है और अगर तुम मेरे जनरल्स हमेशा के लिए अरबों की गुलामी से बचना चाहते हो तो पूरी रोमन फौज को इधर अंताकिया में जमा होने का हुक्म और साथ ही उसने अपने सारे सूबों के गवर्नर्स की तरफ लेटर्स भेजे कि जो भी नौजवान जंग करने के काबिल हो उसे चाहते या ना चाहते हुए रोमन एम्पायर की फौज में शामिल करके अंताकिया की तरफ भेजा जाए जिसकी वजह से अंताकिया में रोमन एम्पायर की एक बहुत बड़ी फौज लाखों की फौज जमा होने लगी। और इनका प्लान ये था कि अब मुसलमानों की इन छोटी छोटी ट्रिक्स से निकलकर आमने सामने होकर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी जाए। अब जब ये सब कुछ यहाँ पे हो रहा तो वहाँ एमएसा में मुसलमानों के जनरल अबू उबैदा इब्ने जर्राह को रोमन बादशाह के हर मूव की खबर मिलती जा रही थी जिससे वहाँ पर मुसलमान बहुत ही टेंशन में कि अब आखिर हम क्या करें इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करें क्योंकि अब हर तरफ से रोमन एम्पायर मुसलमानों से बदला लेने के लिए इनकी तरफ बढ़ रही थी। मुसलमानों की इस घबराहट को देखकर अबू उबैदा ने जल्दी से एक दूसरी मीटिंग बुलाई और अपने सारे जनरल्स को बुलाकर पूछा कि अब हमें इतनी बड़ी फौज के सामने क्या करना चाहिए। जिस पर सारे जनरल्स के मशवरे से ये फैसला किया गया कि हमें एमएसए जिसे आज के जमाने में होम्स कहा जाता है इस सिटी को बगैर किसी लड़ाई के छोड़कर यहाँ से वापस दमिश्क की तरफ जाना चाहिए जिधर उस वक्त खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ मौजूद। लेकिन जाने से पहले अबू उबैदा इब्ने जर्राह इस सिटी के फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया और उसे ऑर्डर्स दिए कि यहाँ जितने लोगों से भी जिजिया टैक्स लिया गया था उन सबको वो पैसे वापस कर दिए जाए क्योंकि ये जिजिया टैक्स हमने इनकी हिफाजत के लिए लिया था और अब जब हम इनकी और हिफाजत नहीं कर सकते तो इस टैक्स पर भी अब हमारा कोई हक नहीं है। तो इधर मुसलमान इस सिटी को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहे थे और वहाँ वो फाइनेंस मिनिस्टर अपनी टीम के साथ एमएसए के हर घर घर तक जाकर लोगों को उनके टैक्स के पैसे वापस दे रहा था। ये देखकर यहाँ के लोग अगेन हैरान रह गए कि आखिर ये क्या मखलूक है कि हम तो सिर्फ इस बात पर खुश थे कि इन्होंने हमारे इलाके फतह करने के बाद हमें नहीं मारा और हमारी औरतों को भी कुछ नहीं कहा और हमारी जमीनें भी नहीं छीनी और अब इस सब के बाद भी ये हमसे लिया गया टैक्स भी वापस करके जा रहे हैं। इनमें से एक बंदे ने मुसलमानों के जनरल के पास आकर ये तक कहा कि खुदा आप लोगों को हमारे ऊपर दोबारा लाए। तो आखिर मुसलमान इस सिटी होम्स को छोड़कर यहाँ से दमिश्क की तरफ रवाना हुए जहाँ खालिद बिन वलीद अपनी फौज के साथ इनका इंतजार कर रहे थे। दमिश्क पहुंचते ही दोबारा सारे जनरल्स की मीटिंग स्टार्ट हुई कि अब आगे हमें क्या करना चाहिए। अब जब ये मीटिंग चल ही रही थी कि अचानक एक मैसेंजर जॉर्डन
उर्दन से अम्र इब्ने आस का लेटर लेकर अबू उबैदा के पास पहुंचा और इस लेटर में लिखा था कि रोमन एम्पायर की फौज की ताकत को देखकर सिर्फ जॉर्डन में नहीं बल्कि हर तरफ बहुत सारे क्रिश्चियंस बगावत कर रहे हैं, और अब जब उन्होंने ये भी देखा कि मुसलमान उस फौज के डर से अमेसा छोड़कर वापस आ चुके हैं तो उनका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ चुका है और हर तरफ इन बगावतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। अब मुसलमान दोनों तरफ से फंस चुके थे, मतलब इनके सामने रोमन एम्पायर की 200,000 की फौज इनके तरफ बढ़ रही थी और इनके पीछे हर तरफ लोग बगावतें कर रहे थे। तो मुसलमान जनरल्स को समझ आ गई थी कि अब यहाँ दमिश्क में रहना भी बहुत ही डेंजरस काम है, लेकिन दमिश्क इतनी बड़ी सिटी थी, मतलब ये फैसला इन जनरल्स ने नहीं बल्कि मदीना में खलीफा उमर बिन खत्ताब और उनके मिनिस्टर्स अब्दुर्रहमान बिन औफ, उस्मान और अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करना था। तो सिर्फ कुछ ही दिनों में डायरेक्ट मदीना से उमर बिन खत्ताब का लेटर दमिश्क पहुंचा जिसमें लिखा था कि फैसला हो चुका है कि दमिश्क की इस सिटी को छोड़ दिया जाए, और सिर्फ दमिश्क को नहीं बल्कि पूरे शाम को छोड़ दिया जाए, और यहाँ से पीछे हटकर कोई ऐसी जगह जंग के लिए सेलेक्ट कर जिसकी लोकेशन ऐसी हो कि उसके पीठ के पीछे अरब का इलाका हो ताकि पीछे से कोई बगावतें ना हो सके और हमारे सारे दुश्मन हमारी आंखों के सामने हो। तो फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस ऑर्डर पर काम शुरू हो गया और मुसलमान दमिश्क को छोड़कर पीछे हटे और जॉर्डन में अम्र इब्ने आस की फौज की तरफ रवाना हुआ। बट जाने से पहले यहाँ के सारे लोगों से भी जो टैक्स लिया गया था अबू उबैदा ने वो टैक्स वापस करने का हुक्म दिया, और यहाँ के लोग भी हैरान हुए कि ये कौन लोग हैं आखिर। आखिर मुसलमानों की ये फौज और अम्र इब्ने आस की फौज यरमूक के दरिया के पास एक दूसरे के साथ मिल गए, और साथ ही शाम में मुसलमानों की जितनी भी फौज वो सारे भी आकर मुसलमानों की इस फौज के साथ शामिल हो, और ये सब रोमन एम्पायर की फौज का इंतजार करने लगे। वहाँ मदीना में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके सारे मिनिस्टर्स बहुत टेंशन में थे कि अब इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कैसे करेंगे, क्योंकि ये अब तक इस्लाम की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी। तो उन्होंने इस फौज की मदद के लिए मदीना में इस फौज के लिए लोग जमा करना शुरू कर दिए। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मस्जिद नबवी में सबको बुलाकर एक बहुत ही जबरदस्त स्पीच की जिसमें सबसे पहले वो सहाबा भी सामने आए जो इस्लाम की पहली जंग जंगे बदर में भी शामिल थे, और अब उनकी एज भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये जंग इतनी खतरनाक थी कि जंगे बदर के 100 सहाबा इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार हुआ। मतलब जंगे बदर के 313 में से 100 सहाबा, जो एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये बदरी सहाबा भी बिल्कुल जंगे बदर की तरह अब तलवार उठाकर जंगे यरमूक की तरफ जाने के लिए तैयार हुए। इन्हीं 100 सहाबा को देखकर 1000 और सहाबा भी इस जंग के लिए तैयार हुए, और इन 1000 सहाबा को देखकर 5000 और मुसलमानों ने भी यरमूक की तरफ जाने का वादा किया। ये देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी इरादा किया कि वो खुद इस जंग को यरमूक में लीड करेंगे, लेकिन फिर बाकी सहाबा ने उन्हें समझाया कि ये जंग जीतना बहुत ही मुश्किल काम, और कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान ये जंग हार जाए और खलीफा को भी नुकसान पहुंचे, तो इससे इस्लाम को बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो आप इस जंग के लिए खुद मत जाए। अब वहाँ यरमूक के मैदान में एक तरफ 200,000 और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 की फौज खड़ी थी, लेकिन काफी दिन गुजरने के बाद भी इन दोनों फौजों में कोई भी एक दूसरे पर हमला नहीं कर रहा था, और कई हफ्तों तक रोमन कैंप से रात को शराब और पार्टीज की आवाजें आती रहती थी, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि लोग कोई जंग करने के लिए आए। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद ने सोचा कि जरूर इसके पीछे कोई ना कोई साजिश चल रही हो। तो अचानक एक दिन रोमन जनरल वाहान का एक बंदा मुसलमानों के कैंप्स की तरफ आया और अबू उबैदा से कहा कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते बल्कि आप लोगों के साथ एक डील करना चाहते हैं, तो आप अपना कोई स्ट्रॉन्ग जनरल कल हमारी तरफ भेजें। तो अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद को उनकी तरफ भेजा। जैसे ही खालिद बिन वलीद वहां पहुंचे तो रोमन जनरल ने उन्हें डराने की आई जस्ट कांट इमेजिन वो सीन कैसा हुआ होगा। आई जस्ट कांट इमेजिन लाइक खालिद बिन वलीद लाइक द गाय हु नेवर लॉस्ट अ वॉर 200 प्लस लड़ी, वो वहां के बीच में खड़ा है लाइक कम ऑन मैन, वो सीन है आई विश आई कैन ऑब्वियसली नहीं देख सकते। आई थिंक आई विश कोई इस पे मूवी बनाए लाइक ऑब्वियसली आई थिंक खालिद बिन वलीद लाइक इन पे तो मूवी बन सकती है राइट, इनका तो फ्रीडम दिखा सकते क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं लाइक आई थिंक इस्लाम में इनका शायद If I'm not wrong, face दिखा सकते हैं कोई ऐसी movie या series। अगर नहीं भी दिखा सकते हैं, तो वैसे जैसे just because मैं उस चीज को feel करना चाहता हूँ, like a video से समझ आएगा, like story सुन रहा है, it's fine। But like एक movie की झलक में या फिर एक web series कुछ ऐसा मिल जाए ना, I think तबाही मचा देगी वो दुनिया में। बट ऑब्वियसली नहीं है किस्मत में कोई बनाया थे। और कमेंट से बताए भी इज इट लीगल और नॉट कि लाइक जो खलीफाज हैं या फिर लाइक खालिद बिन वलीद राइट, सो इनका फेस दिखा सकते हैं नहीं लाइक प्रॉफिट्स का आई अंडरस्टैंड नहीं दिखा सकते आई अंडरस्टैंड ओके, बट इनका अपनी फौज को फुल सीधी लाइन में खड़ा किया और फुल आर्मर के साथ भर दिया ताकि मुसलमान जनरल के दिल में रोमन एम्पायर का फॉर एग्जांपल गुरु से उनका नहीं दिखाते, बट फॉर एग्जांपल बंदा सिंह बहादुर लाइक ही वाज जनरल राइट आर्मी का
ठीक है, बट उनका फेस देखा है हमने मूवीज में, ठीक है। हाँ, जैसे चार साहब जाते थे उनका भी दिखाया था, मैं वही कह रहा हूँ मेन प्रॉफिट्स जो थे। हाँ, प्रॉफिट्स और गुरुस उनका। लोग किसको डरा रहे थे? खालिद बिन वलीद को? आई डोंट थिंक सो। खालिद बिन वलीद इन सारी चीजों को इग्नोर कर सीधा रोमन जनरल के पास पहुंचे, तो जनरल सारो के सामने खड़े हुए और अपनी स्पीच स्टार्ट, जिसमें उन्होंने जीसस क्राइस्ट की कुछ तारीफ करने के बाद अपने बादशाह हरकल की तारीफ करना शुरू की और कहा कि हरकल रोमन बादशाह पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह है। और जब वो इसकी कुछ ज्यादा ही तारीफ करने लगा तो खालिद बिन वलीद ने उसे रोक दिया और कहा, यस, मैं मानता हूं कि तुम्हारा बादशाह सबसे बड़ा बादशाह, हमारे बादशाह से भी बड़ा बादशाह, लेकिन जिस आदमी को हमने अपना लीडर बनाया वो असल में कोई बादशाह है ही नहीं बल्कि खलीफा है। और जिस दिन उसके दिल में बादशाह की थोड़ी सी भी ख्वाहिश पैदा हुई, हम उसको उसकी पोजीशन से हटा देंगे। और ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यरमूक के मुसलमानों की इस फौज खलीफा उमर बिन खत्ताब के अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर भी शामिल थे, लेकिन किसी जनरल की हैसियत में नहीं बल्कि एक आम सोल्जर की तरह। इसके अलावा पिछले खलीफा हजरत अबू बकर के बेटे अब्दुल रहमान बिन अबू बकर भी इस जंग में एक आम सोल्जर की तरह शामिल, और इस फौज के जनरल सारे ऐसे लोग जिनका हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कबीले बनू आदि से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। खालिद बिन वलीद ने ऑफ कोर्स इस मीटिंग में रोमन्स की सारी ऑफर्स को रिजेक्ट कर दी और वापस अपने कैंप्स की तरफ आए। बट एक मिनट, ये अजीब बात नहीं है कि रोमन्स 2 लाख होने के बाद मुसलमानों से जंग नहीं बल्कि डील करना चाहते? असल में ये सब कुछ झूठ, रोमन्स मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि टाइम बाय करना चाहते। याद है हमने कहा था कि इस जंग से कुछ ही अरसा पहले रोमन और पर्शियन एम्पायर दोस्त ही नहीं बल्कि रिश्तेदार बन चुके थे, और इन दोनों ने मुसलमानों के खिलाफ एक ही टाइम पर फौजें जमा। जस्ट लाइक कम ऑन मैन, लाइक आई कांट, अब मैं इमेजिन कर, मुझे मेरी गुस्सा आ रहा है। और 2 लाख सिर्फ नहीं, वो अभी तो सिर्फ रोमन्स ही आए 30,000, तो 2 लाख रोमन्स आए, अभी पर्शियंस आएंगे। वही मैं बोल रही थी करना शुरू कर दी। तो रोमन एम्पायर मुसलमानों से कोई डील नहीं बल्कि अपने दोस्त पर्शियन एम्पायर की फौज का इंतजार कर रहे ताकि वो जल्दी रेडी हो और हम दोनों एक साथ ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें खत्म कर दें। तो ये डील सिर्फ एक बहाना था जिसका खालिद बिन वलीद को पहले ही अंदाजा हो चुका था। तो उन्होंने सीधा एक लेटर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ भेजा कि यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा है। तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की फौज की तरफ ऑर्डर्स भेजे कि किसी भी हाल में पर्शियन एम्पायर के साथ जंग मत करो बल्कि उनके साथ निगोशिएशन स्टार्ट करो कि हम आपसे और जंग नहीं करना चाहते और हम अपने इलाकों में वापस जा रहे हैं ताकि इससे पर्शियन एम्पायर की फौज स्लो हो जाए। एंड इट वर्क्ड। पर्शियन बादशाह ये सुनकर बहुत ही खुश हुआ और मुसलमानों से इन नेगोशिएशंस में उनका बहुत टाइम वेस्ट होने लगा। तो इस तरह हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जबरदस्त प्लानिंग से पर्शियन एम्पायर से जंग का खतरा थोड़ा डिले कर दिया। नाउ रोमन फौज यरमूक में अब भी पर्शियन फौज का इंतजार ही कर रही, लेकिन अचानक उन्होंने देखा कि मदीना से एक नई फौज ने आकर मुसलमानों की फौज को ज्वाइन कर लिया। ये वही 6,000 की फौज थी जो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भेजी थी, लेकिन इस फौज को ऑर्डर्स दिए गए कि तुम सारों ने एक साथ यरमूक के मैदान में दाखिल नहीं हो बल्कि हर दिन छोटे छोटे ग्रुप्स 500 या 1,000 लोगों इस मैदान में दाखिल हो, जिससे बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि हर दिन रोमन एम्पायर सुबह उठती है और देखती है कि सामने एक नई फौज आकर मुसलमानों के साथ मिल जाती। तो आखिर रोमन जनरल वाहन ने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता ना तो मुसलमानों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो आखिर एक दिन फाइनली ऑलमोस्ट एक महीने के बाद रोमन एम्पायर की फौज अपने कैंप्स को छोड़कर आगे बढ़ने लगी और बिल्कुल मुसलमानों के सामने आकर खड़ी हो गई। ये देखकर मुसलमानों ने भी अपनी सफ़ें सीधी की और दोनों फौजें जंग के लिए तैयार हो। इस एनिमेशन को देख ये जंग उस जमाने में एग्जैक्टली इसी तरह लग रही होगी, क्योंकि ये है मुसलमानों की 30,000 की फौज और इनके सामने ये खड़ी है रोमन एम्पायर की 2 लाख की फौज। इतना बड़ा डिफरेंस। आजकल के कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस रोमन एम्पायर की इस फौज को 2 लाख से कम 1 लाख के अराउंड कहती है, लेकिन इस्लामिक सोर्सेज में इसे 1.5 लाख से 2,40,000 के दरमियान बताया गया है। सो लेट्स जस्ट टेक 2 लाख। अबू उबैदा ने अपनी फौज को ऑर्गेनाइज किया और अपनी फौज के पीछे अपने 4 मेन जनरल्स खड़े किए, आमर बिन आस, शुराहबील, खालिद और यजीद बिन अबी सुफियान। जंग से सिर्फ 1 रात पहले अबू उबैदा ने अपने सारे जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और इन सब ने मिलकर जंग की प्लानिंग करना शुरू की। अब जब ये सारे इस जंग की प्लानिंग कर रहे थे तो अचानक अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है कि हम सिर्फ इस जंग के लिए लीडर को बदल दें, मतलब मेरी जगह खालिद बिन वलीद को इस जंग का लीडर बनाए और आर्मी चीफ मैं ही हूँ क्योंकि हम खलीफा के ऑर्डर्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन सिर्फ इस जंग के लिए। व्हाट डू यू थिंक?
इस पर सारे जनरल्स ने कहा कि ये क्या बात कही आपने, ये तो हम सब भी सोच रहे थे। और जंग का असल मजा तो अब आएगा, क्योंकि इन सबको पता था कि इस जंग में खालिद बिन वलीद जैसे दिमाग की बहुत सख्त जरूरत पड़ेगी। तो अगले दिन मतलब जंगे यरमूक के पहले दिन अबू उबैदा इब्न जर्रा अपनी पोजीशन से नीचे आए और आम जनरल्स की रैंक्स में खड़े हो गए और खालिद बिन वलीद पीछे आकर दोबारा आर्मी चीफ की पोजीशन पर खड़े हो गए और जंग शुरू हुई। इस जंग में वो सारे ही बड़े सहाबा मौजूद थे जिनका नाम हम अहादीस और हिस्ट्री में बार बार सुनते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अबू जर गफ्फारी, अबू हुरैरा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अबू अयूब अंसारी और 70 साल की उम्र में अम्मार बिन यासिर, जिनके माँ बाप इस्लाम के पहले शहदा थे, ये सब इस जंग में मौजूद। और अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे भी इस जंग में शामिल थे। जंग का पहला दिन 15 अगस्त साल 636 मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत 2 साल हो चुके थे। रोमन फौज ने नंबर्स में ज्यादा होने की वजह से पहले मुसलमानों पर हमला कर दिया और बहुत देर तक लेकिन इस दिन फौजों को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ही फौजें एक दूसरे की ताकत और हिम्मत को टेस्ट कर रहे थे। और शाम होते दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस चली गई। इस जंग में एक रोमन सोल्जर जॉर्ज भी शहीद हुआ, शहीद क्योंकि जंग से पहले जॉर्ज रोमन आर्मी को छोड़कर इस्लाम कबूल करके मुसलमानों के साथ शामिल हो गए और अपने इस्लाम के पहले ही दिन शहीद हो गए। जंग के दूसरे दिन रोमन एम्पायर ने मुसलमानों को सरप्राइज करने के लिए फजर के नमाज के डायरेक्ट बाद मुसलमानों पर हमला कर दिया। बट खालिद बिन वलीद को इस सब का पहले ही अंदाजा था, तो उनके पहुंचने से पहले मुसलमान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे। कितने दिन चला था मुझे ये टोटल कितने, आज मैं इस वीडियो में बताएंगे शायद कितने दिन लगे। आई थिंक चला था बहुत लंबा, एक महीने तक तो उन्होंने जंग शुरू ही नहीं की। हाँ लाइक टोटल एक मिनट ना, टोटल ड्यूरेशन ऑफ जंग YAR MOUK टोटल ड्यूरेशन ऑफ 6 days 6 दिन लगातार जंग चली थी। मान जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े। 6 days इस बार रोमन्स ने बिल्कुल जोर से हमला किया और आखिर थोड़ी जंग के बाद मुसलमानों की राइट साइड पर जिसे आम्र बिन आस लीड कर रहे थे इतना प्रेशर पड़ा कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन लाइन से पीछे हटने लगे और आखिर इतना पीछे तक आ गए कि बिल्कुल मुसलमानों के कैंप्स तक पहुंच गए जहां मुसलमानों की औरतें और फैमिलीज मौजूद, क्योंकि मुसलमान पिछले 3 सालों से रोमन एम्पायर के अंदर रह रहे थे तो इनके साथ इनकी फैमिलीज भी अरब को छोड़कर यहीं पर आबाद हो चुकी। जब इन औरतों ने देखा कि मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट, तो उन्होंने अपने कैंप्स के सामने बहुत सारे ऊंटों को लाइन में खड़ा करके ऑलमोस्ट एक दीवार बना दी और खुद तलवार उठाकर रोमन एम्पायर की फौज के सामने जंग में कूद पड़े, जो इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। और कुछ औरतें अपने कैंप से मुसलमान मर्दों पर पत्थर फेंकने लगी और कुछ ऐसे अशआर पढ़ने लगी ताकि मुसलमान मर्दों को जंग से पीछे हटने में शर्म आए और वो आगे बढ़े। एंड इट वर्क्ड, मुसलमानों की फौज और पीछे हटने से रुक गई और अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई। और उसी टाइम खालिद बिन वलीद अपनी फौज लेकर मुसलमानों की राइट साइड की हेल्प के लिए पहुंचे और फिर आम्र इब्न आस और खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने मिलकर रोमन एम्पायर की फौज को वापस धकेल दिए और वहीं पर वापस लेके आए जहां से जंग शुरू हुई। अब जब जंग दोबारा नॉर्मल हुई तो अचानक मुसलमानों की लेफ्ट साइड जिसे यजीद बिन अबू सुफियान लीड कर रहे और बर्दाश्त ना कर सकी और ये भी बिल्कुल उसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपने कैंप्स तक पहुंच गए जहां एक बार फिर मुसलमान औरतों ने तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ जंग में शामिल हो गए और बाकी औरतें फिर इन पर पत्थर फेंकने लगे और कुछ ऐसी पोएट्री करने लगे जिससे मुसलमानों का हौसला बढ़ सके। और कहा जाता है कि इन औरतों में से एक हिंदा भी थी जिन्होंने जोर से एक पत्थर अबू सुफियान की तरफ फेंका और कहा कि अब जाकर अपने उन गुनाहों को साफ करो जो तुमने इस्लाम लाने से पहले किए थे। इस सब के बाद ये फौज भी अपनी जगह पर स्टेबल हो गई। तो ये देखकर खालिद बिन वलीद अगेन राइट साइड से फुल स्पीड लेफ्ट साइड की मदद के लिए अपनी फौज के साथ दोबारा पहुंचे और फिर इस फौज को भी पीछे हटाकर जंग दोबारा वही ले गए जहां से शुरू हुई। और फिर थोड़ी ही देर शाम होने के बाद रोमन फौज विदाउट गेनिंग एनीथिंग वापस अपने कैंप्स की तरफ चली गई। यरमूक के तीसरे दिन रोमन एम्पायर ने दोबारा मुसलमानों पर हमला किया और अगेन थोड़ी सी जंग के बाद उसी तरह मुसलमानों की राइट साइड दोबारा पीछे हटने लगी। लेकिन इन्हें इस बार ऑर्डर्स दिए जा चुके थे कि पिछले दफा की तरह सीधी लाइन में पीछे नहीं हटना,
बल्कि एक स्पेसिफिक एंगल में हटना है ताकि रोमन्स की पूरी फौज दो में डिवाइड हो जाए और खालिद बिन वलीद सेंटर से इन पर हमला कर सके। तो मुसलमान फौज ने भी एग्जैक्टली ऐसा ही किया। इसी तरह मुसलमान और रोमन्स शाम तक लड़ते रहे और दोनों साइड से बहुत सारे लोग मारे गए और शाम होते रोमन फौज दोबारा अपने कैंप्स की तरफ वापस चले गए। जंगे यरमूक का चौथा दिन इस जंग का सबसे खतरनाक दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ लॉस्ट आइज कहा जाता है। इस बार रोमन जनरल वाहन अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल बदल दी और सुबह होते सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड की फौज को मुसलमानों पर हमले का हुक्म दिया और दूसरी फौज को आहिस्ता आहिस्ता लेकर आगे बढ़ने लगा। वाहन का ये प्लान बहुत ही जबरदस्त था क्योंकि कुछ ही देर के बाद अगेन मुसलमानों की राइट साइड जंग से पीछे हटने लगी। खालिद बिन वलीद ने यह देखकर सिचुएशन संभालने के लिए अबू उबैदा और यजीद को हुक्म दिया कि यही खड़े रहने के बजाय तुम रोमन फौज पर हमला कर दो और खुद राइट साइड पर मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचे। अबू उबैदा और उसकी फौज ने आगे जाकर रोमन एम्पायर को काफी देर तक रोका रखा और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही। आखिर रोमन जनरल ने अपने आर्चर्स को आगे किया और उन्होंने अबू उबैदा की फौज पर तीर बरसाना शुरू कर दिया, जिससे बहुत सारे मुसलमान शहीद हुए और जो मुसलमान बच गए उनमें से 700 लोगों के आंखों में तीर लगी, जिससे वो ऑलमोस्ट ब्लाइंड हो गए, जिससे मजबूरन अबू उबैदा की फौज आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगी। अब चौथे दिन पहली बार मुसलमानों की राइट और लेफ्ट दोनों फौजें इतने पीछे चली गई कि दोनों फौजें अपने कैंप तक पहुंच गई और वहां एक बार फिर औरतों ने अपने कैंप से निकलकर तलवार उठाकर रोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और बाकी औरतों ने दोबारा मुसलमानों पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया ताकि उनकी अरब हैरत जाग सके। यरमूक के इस जंग में मुसलमान औरतों के इस रोल से बाद में एक मुसलमान सोल्जर ने यह भी कहा कि उस दिन यरमूक के दिन हमें रोमन एम्पायर की फौज से इतना डर नहीं लगता जितना इन औरतों की बातों और पत्थरों से लगता। इसी तरह मुसलमानों की फौज रोमन एम्पायर से बहुत छोटी होने के बाद भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हो गई, जिस पर रोमन सोल्जर्स भी हैरान थे कि हम इनसे इतना ज्यादा होने के बाद भी इन्हें आखिर क्यों पीछे नहीं हटा पा रहे। और आखिर कुछ ही देर बाद शाम हो गई और रोमन फौज 200,000 होने के बावजूद अब तक कुछ हासिल ना कर सके और मजबूरन उन्हें जंग से पीछे हटना पड़ा। रोमन एम्पायर की फौज और जनरल का ख्याल कि ये ज्यादा से ज्यादा एक या दो दिन की लड़ाई होगी, लेकिन मुसलमानों के हौसले और जज्बे को देखकर रोमन एम्पायर का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। मुसलमानों को भी इस चौथे दिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और जब मुसलमान अपने शहीदों को जंग से उठाने के लिए गए तो उन्हें इन्हीं शहीदों में से इकरमा बिन अबू जहल भी मिला, जो इस जंग में बहुत बहादुरी से लड़े थे और जंग के दरमियान ही शहादत की कसम उठा चुके थे। मतलब कितनी अजीब बात, ये इकरमा अबू जहल का बेटा था जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था और अब उसी अबू जहल के बेटे ने इस्लाम के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी। चौथे दिन के बाद रात को वाहन ने अपने सारे जनरल्स की मीटिंग बुलाई और पूछा कि ये आखिर क्या हो, हम क्यों नहीं जीत पा रहे। तो उसे बताया गया कि मुसलमान तो पीछे हटने वाले नहीं है और आप हमारी फौज भी बहुत ज्यादा थक चुकी है और लड़ाई के काबिल नहीं रहे। तो अपने सारे जनरल्स के मशवरे से वाहन ने आखिर एक फैसला किया। पांचवा दिन शुरू होते मुसलमान बिल्कुल रेडी जंग के लिए खड़े थे, लेकिन उस दिन रोमन एम्पायर ने हमला किया ही नहीं बल्कि अपनी तरफ से एक मैसेंजर मुसलमानों की तरफ भेजा, जिसने खालिद बिन वलीद को बताया कि रोमन फौज अब और जंग नहीं करना चाहती, तो बस हम इस जंग को इधर ही खत्म कर देते, किसी और दिन फिर दोबारा लड़ लेंगे। मुसलमान इसके बाद भी उसी तरह अपनी लाइंस बनाकर खड़े रहे, लेकिन पांचवें दिन कोई लड़ाई नहीं हुई। तो खालिद बिन वलीद ने अपने सारे जनरल्स को मीटिंग के लिए बुलाया और उन्हें रोमन्स की इस ऑफर के बारे में बताया। तो कुछ जनरल्स ने बताया कि सिर्फ रोमन्स ही नहीं बल्कि मुसलमान भी काफी थक चुके हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस ऑफर को मान लें। लेकिन अबू उबैदा और खालिद बिन वलीद दोनों की राय ये थी कि जंग तो अभी सिर्फ शुरू हुई है। तो सारों की बातें सुनने के बाद खालिद बिन वलीद खड़े हुए और उन्हें बताया कि अब तक हमारी स्ट्रेटजी यही थी कि हम इन पर हमला नहीं करेंगे और अपनी जगह पर खड़े रहकर सिर्फ इन्हें थकाएंगे और जब ये लड़ लड़ कर थक जाएंगे तब हमारी असल गेम शुरू हो। तो खालिद बिन वलीद ने रोमन जनरल की ऑफर रिजेक्ट कर और सारी मुसलमानों की फौज को हमले के लिए रेडी रहने का हुक्म भेजा। छठे दिन रोमन फौज के बजाय एक यंग रोमन वॉरियर ग्रेगरी, जो बहुत ही पावरफुल सोल्जर था, अपनी फौज से सामने आया और मुसलमानों के जनरल को चैलेंज किया। तो पहली बार अबू उबैदा इब्ने जर्राह उससे जंग के लिए आगे बढ़े, लेकिन खालिद बिन वलीद ने एकदम उन्हें रोक दिया कि आपकी उम्र 50 साल के करीब है, आप कैसे इस यंग लड़के से लड़ पाएंगे। तो अबू उबैदा ने जवाब दिया कि अगर मैं नहीं गया तो लोग कहेंगे कि मुसलमानों का जनरल एक छोटे से लड़के से डर गया और इन केस अगर मैं इस लड़ाई में शहीद हो जाऊं तो मैं तुम्हें, खालिद को
अपने बाद आर्मी चीफ नॉमिनेट करता हूँ। ये कहकर अबू उबैदा मुसलमानों की फौज से आगे बढ़े और लड़ाई शुरू हुई। काफी देर लड़ाई होने के बाद आखिर ग्रेगरी लड़ाई छोड़कर अपनी फौज की तरफ भागने लगा, लेकिन ये सिर्फ एक ट्रिक। जैसे ही अबू उबैदा उसके पीछे गए, उसने एकदम पीछे मुड़कर तलवार से फुल स्पीड उनकी तरफ वार की, लेकिन एट द लास्ट सेकंड अबू उबैदा ने उसे डॉज कर अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी। ये देखकर पीछे खड़े खालिद बिन वलीद जोर से अल्लाहु अकबर का नारा लगा और उन्हीं के साथ पूरी मुसलमान फौज नारे लगाने लगी। और इसी के साथ खालिद बिन वलीद ने 6 दिनों के बाद पहली बार मुसलमानों की फौज को रोमन एम्पायर पर हमले का हुक्म दिया। अबू उबैदा अपनी जगह पर ही खड़े रहे और पीछे से मुसलमानों ने उन्हें ज्वाइन करके रोमन एम्पायर पर हमला कर दिया और मुसलमानों की फौज फुल स्पीड आकर रोमन एम्पायर की फौज से टकरा गई। लास्ट लेकिन मुसलमानों की इस 5 दिन एक लाइक मैं सोच रहा हूँ सेम का माइंडसेट कि उसी 5th डे तो हुई नहीं सी नहीं 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 वो छोड़ो, पहले 4 दिन ऑब्वियसली उन्होंने खुद इस्लाम मुसलमानों ने अटैक नहीं किया बिकॉज लाइक उनको पता लाइक दे आर लाइक टू मोर देन 2 लाख और हम सिर्फ 30,000 है, ऑब्वियसली हम करेंगे तो चांसेस हैं प्रोबेबिलिटी है कि हम हार जाएंगे राइट। बट उन्होंने 4 दिन को थकाया, 5वें दिन उनके इनके जनरल जो उनका जो आई थिंक सबसे बड़ा योद्धा है ग्रेगरी उसको नहीं नहीं आई थिंक 6th दिन सॉरी नहीं 6th दिन है ना राइट ग्रेगरी को हराया। उसके बाद लाइक 6th डे लास्ट डे उन्होंने उस पर अटैक किया जिनका मोरल डाउन था थके हुए थे एंड कम ऑन मैन दिस इज द स्ट्रेटजी मैं वैसे बट अभी तक पर्शियन नहीं आया कम ऑन मैन। सारी एक्साइटमेंट और जज्बे के बाद रोमन एम्पायर की फौज मुसलमानों से इतनी ज्यादा थी कि मुसलमान उन्हें ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मन में क्या बातें करती रहती है बोला करो। मैंने कहा मुसलमानों के लिए तो अच्छा ही है बट उनके लिए अच्छा नहीं हुआ। और काफी देर तक जंग इसी तरह चलती रही और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐसा लगने लगा कि खालिद बिन वलीद ने ये हमला करके बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अब यहाँ से पीछे जाना भी इम्पॉसिबल था। उनके दिमाग में चलता क्योंकि उनके पास ऑफर था कि जंग रोक देते हैं राइट। बट स्टिल उन्होंने कहा नहीं हम करेंगे। अब अगर वो हार जाते सब मुसलमान मर जाते और पूरे सोचो अभी उनके नाम पे कैसे मतलब लोग उनको देखते कि इनकी वजह से सारे मुसलमान खत्म हो गए। उन्होंने कितनी भी जंग की अड़े रहे 6 दिन तक बट आखिर में नाम वही होता। हाँ नाम वही होता बट स्टिल लाइक कम ऑन मैन ऑब्वियसली रिजल्ट हमें पता कि मुसलमान जीते हैं बट अगर नहीं पता होता तो स्टिल अभी हम कंफ्यूजन रहते। सिचुएशन नहीं पता ना किसी को। जनरल वाहन भी खालिद बिन वलीद की इस गलत स्ट्रेटजी को देखकर बहुत खुश हुआ और मुसलमानों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर अकेले मुसलमानों की राइट साइड पर फुल स्पीड भागने लगा। लेकिन उसने सोचा कि अकेले ये एक शख्स हमारा क्या बिगाड़ लेगा। किसी को पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद आखिर अपने घोड़े पर कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही खालिद बिन वलीद मुसलमानों को क्रॉस करते हुए पहाड़ के करीब पहुंचे तो अचानक आउट ऑफ नोवेयर पहाड़ के पीछे से 8,000 हॉर्समैन फुल स्पीड खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शामिल हो गए और इन 8,000 हॉर्समैन ने रोमन एम्पायर की फौज पर राइट साइड से हमला कर दिया। अब इसका किसी को पता नहीं था जंग से एक रात पहले ही खालिद बिन वलीद ने इन 8,000 हॉर्समैन को इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो। वलीद ने इन 8,000 हॉर्समैन इस पहाड़ के पीछे भेजा था और इन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि जब तुम मुझे अपने घोड़े पर फुल स्पीड भागता हुआ देखो तो यही तुम्हारा हमला करने का सिग्नल है। ये 8,000 हॉर्समैन बहुत तेजी से रोमन एम्पायर की फौज को क्रश करने लगे। ये देखकर रोमन एम्पायर की सारी फौज में खौफ फैल गया जिससे रोमन एम्पायर की फौज आहिस्ता आहिस्ता जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगी और मुसलमान इनका पीछा करने लगे। ये फौज जंग से फुल स्पीड इस पुल की तरफ भागी जो इनके भागने का मेन रास्ता था। लेकिन जैसे ही ये फौज पुल के करीब पहुंची उन्होंने देखा कि यहाँ भी पहले से मुसलमान फौज का एक डिवीजन खड़ा है और इन्हें भी एक रात पहले खालिद बिन वलीद ने इस फौज से छुपाकर पीछे ब्रिज के पास खड़ा किया। मतलब खालिद बिन वलीद की कैलकुलेशंस इतनी पावरफुल थी कि उन्हें पता था कि ये जंग तो मैं जीत जाऊंगा लेकिन जंग हारने के बाद जब रोमन्स भागेंगे तो मैं इन्हें भागने भी नहीं दूंगा। और कहा जाता है कि जब खालिद बिन वलीद ने ये मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और सॉरी इंटरनेट बंद हो गया था। 1 सेकेंड लेट मी जस्ट सॉरी गाइस क्या कर रहे हो। कि जब खालिद बिन वलीद ने ये मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की और अल्लाह का इस ने ये मंजर देखा तो उन्होंने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद की
और अल्लाह का इस अजीम फतह पर शुक्रिया अदा किया और फिर अपनी आंखें खोलकर सबसे पहले पूछा कि वाहन किधर है। तो उन्हें बताया गया कि वाहन तो यहाँ से भाग चुका है। तो खालिद बिन वलीद भी फुल स्पीड उसके पीछे गए और कुछ ही देर में उसे पकड़ कर मार दिया। इस जंग जंगे यरमूक को बैटल ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है, जिसने दुनिया की तारीख को हमेशा के लिए बदल दी। क्योंकि इस जंग से पहले शाम और इस सारे इलाके में लोग ग्रीक और एरमेक जबान बोला करते थे, लेकिन इस जंग के बाद अगर आज तक देखा जाए तो यहाँ के लोग अपनी जबानें छोड़कर आज अरबी जबान बोलते हैं। और ये इलाका शाम, जो एक जमाने में क्रिश्चियनिटी का सेंटर हुआ करता था, आज पूरा का पूरा मुसलमान है। अब सिर्फ इमेजिन करें, जब इस फतह की खबर मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची होगी तो वहां के सारे मुसलमान कितने खुश हुए होंगे। बट एट द सेम टाइम जब इस जंग के हार की खबर रोमन एम्पायर के बादशाह हरकल तक पहुंची, तो उसने अंताकिया में आखिरी बार खड़े होकर शाम की तरफ देखा और कहा, ए शाम की जमीन, मैं तुम्हें सलाम पेश करता हूँ। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत जमीनों में से एक हो, लेकिन अफसोस, आज के बाद हम दोबारा यहाँ कभी भी नहीं आ सकेंगे। और ये कहते ही हरकल शाम को हमेशा के लिए छोड़कर अपने कैपिटल इस्तांबुल चला गया। इस जंग के बाद शाम में मुसलमानों को फ्री हैंड मिला कि वो जहाँ भी जाना चाहे जा सकते हैं। लेकिन मुसलमानों ने रोमन एम्पायर के कैपिटल तुर्की जाने के बजाय अपनी सारी फौज इस जंग के कुछ ही दिनों बाद एक दूसरी सिटी की तरफ मोड़ी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम, जिसे फतह करने का मुसलमान बहुत टाइम से इंतजार कर रहे थे। इसीलिए यरमूक के कुछ ही दिनों बाद मुसलमान फौज यरमूक से सीधा जेरूसलम की तरफ गई और इस सिटी को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमानों के इस खिलाफत के सारे मसले यरमूक के साथ खत्म नहीं हुए, क्योंकि जंग यरमूक के सिर्फ दो महीने बाद मुसलमानों की तारीख की दूसरी सबसे बड़ी जंग शुरू होने वाली, जिसे जंग कादसिया कहा जाता है। ये कौन सी जंग कासी, मुझे नहीं इसका यरमूक का मुझे मालूम था थोड़ा बहुत, आएगी फिर बोला तो ऑब्वियसली। मैं बस ये मैं सिर्फ ये सोचता हूँ यार, अभी मतलब अभी इस जमाने में अगर खालिद बिन वलीद जैसा ऑब्वियसली लाइक नहीं बन सकता, बट होता तो लाइक जो लाइक मैं बात था जो वहाँ फ्री सैन पहले सैन बोल के, तो मतलब ये कभी होता ही नहीं, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। बट ऑफकोर्स अब तो बट आई स्टिल सी, अगर आप सबने देखा हो कल ईरान ने आई थिंक अटैक किया इसराइल पे, वो आप सबने देखा होगा वो माहौल। ओके बट द थिंग इज यार, पता नहीं कब रुकेगा ये चीज़ें लिटरली, क्योंकि लिटरली इतना मतलब दिमाग खराब हो रहा था देख देख के कि कैसे लोग मर रहे हैं ना। हाँ, बट उसमें देख इस अभी क्या है जो वॉर में बच्चे लड़कियां बुड्ढे सब मरते हैं, उस समय को इतने लोग मरते थे, बट स्टिल लाइक देयर इज बच्चे औरतें और बुड्ढे। हाँ, ये अभी भी उस टाइम था, बट ऑब्वियसली दिस इज फ्रॉम इस्लाम साइड, लाइक वो रहते, मुझे नहीं पता उनकी रोमन साइड से भी सेम रूल थे यानी, बिकॉज ऑब्वियसली मैंने आगे तो उनकी वीडियो नहीं देखा, मुझे पता भी था रोमन एम्पायर के बारे में ज्यादा पढ़ा था मैंने, बट इतना नहीं मुझे नॉलेज थी। बट द थिंग इज भाई लिटरली दीज आर जस्ट अमेजिंग, जो लाइक जो वॉर्स हुई हैं लाइक सुनने में अच्छा लगता है लाइक वी आर नोइंग द हिस्ट्री, बट थिंक मुझे एक चीज़ पूछनी है, जितने भी इन्होंने इस वीडियो में क्लेम किया जो जो बातें बोली हैं, हाउ वी कैन से लाइक वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। मैं लेट मी चेक, लाइक जंग यरमूक कुरान में लिखा है क्या, इसको लिखते हैं जंग यरमूक इज ना जंग यरमूक रिटन इन, आई थिंक कुरान तो पहले आ चुका था ना, कुरान आई थिंक 23 साल पहले वाला हो चुका था, डिड खालिद बिन वलीद एक्सेप्ट इस्लाम, ये तो हो चुका है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस्लाम, मुझे पता है। अब बैटल ऑफ यरमूक लाइक ये जितनी वॉर्स लिखी हैं ये किस में, इस जंग कौन सी बुक में लिखा है ये तो पता होना चाहिए ना, लाइक ऑब्वियसली इतनी हमने स्टोरी सुना है। ओके ऑ शिट गाइस, हमारा माइक बंद हो जाएगा बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग, मतलब कि हाँ अभी देख पा रहे हो, द थिंग इज लैपटॉप बंद होगा मेरा एकदम से, आई डोंट नो क्या हो गया, बट विल टॉक अबाउट लाइक मुझे पता करना है कि द थिंग जो अभी जो वॉर हमने सुना उसके जितने भी मैंने सोर्सेज बताए जो भी बताया, हाउ वी कैन से इट इज वैलिड, ऑब्वियसली आई ट्रस्ट दिस गाय, बट लाइक ट्रस्ट से नहीं चलता ना काम, राइट, आई नीड टू सी दिस ऑथेंटिकेशन प्रूफ, ये मे बी का ऑब्वियसली मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक वैलिडेट थिंग, अगर वो ऐसा है कम ऑन मैन, लाइक दिस इज द ग्रेटेस्ट वॉर मैंने जिसके बारे में पढ़ा है इसके बाद। ओके सो आफ्टर दिस वीडियो मैं पक्का सर्च करूंगा और मे बी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैंने किस बुक में पढ़ा। ओके इस बारे में मे बी आप सब कमेंट में बताते हैं। ओके तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी थी बहुत ज्यादा।